नेक्स्ट वी सी के रिवोल्ट, रिवोल्ट मतलब एक विद्रोह खड़ा कर देना, ठीक है। तो 1857 में क्या हुआ, देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। सो मेरठ में एक दंगा शुरू हो गया था, राइट। द सिपॉइज मार्च टू दिल्ली, तो वहां पे जो भी सिपॉइज वगैरह थे वो मतलब दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, तो सब चिल्लाने लगे कि लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, मतलब वो बहादुर शाह के लिए प्रे कर रहे होते हैं सब। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जो रिबेलियन था वो और ज्यादा धीरे धीरे फैलता गया। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वेर सॉर। और मतलब जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने मतलब अपनी जमीन वगैरह सब खो दी थी। क्यों? देयर वेर बिकॉज देयर वेर मेनी न्यू पॉलिसीज दैट वेर लॉन्च्ड बाय ब्रिटिशर्स। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, तो किसने कहा कि ये जो वाइट मैन है उनका रूल अब क्या होना चाहिए, एकदम एंड होना चाहिए। तो कोई सेकंड पर्सन कहता है यस वी विल हेल्प यू, मतलब कोई बात नहीं हम आपकी मदद करेंगे। नाइन, द फ्रीडम फाइट, द फाइट फॉर फ्रीडम, तो यहाँ पर एक फाइट होती है फ्रीडम के लिए। तो कौन है? मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेर बीटर। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर आता है बेगम हजरत महल, लखनऊ से है। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, तो वो कहते हैं कि उन्होंने भी मतलब मेरा किंगडम जो है वो छीन लिया है। दे ज्वाइंट द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, तो उन्होंने भी मतलब ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, फॉरेनर के सामने, एक जो रिवॉल्ट था उनमें। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, तो कोई लीडर होते हैं मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, वो कहते हैं राइज ब्रदर्स राइज, मतलब उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रिन्यूइंग अवर लैंड, मतलब जो अंग्रेज हैं वो हमारी जमीनें हड़प रहे हैं। पीपल रोज एवरीवेयर इन बारले कानपुर एंड इलाहाबाद, तो मतलब जो भी लोग थे यहाँ पर बारले में, ठीक, सॉरी बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, ये सब मतलब इकट्ठा हो गए, उनकी आवाज में हाँ मिलाने लगे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, तो एक अजीमुल्ला खान है, उन्होंने कहा तात्या तोपे से, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो कहते हैं कि साहब हमारी जो टीम है, ठीक है, हमारा जो इंडिपेंडेंस के लिए जो टीम हमारी जा रही है लड़ाई के लिए, उसमें हमारा लीडर कौन होना चाहिए? पेशवा नाना साहेब जो हमारा लीडर होना चाहिए इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ही सेज द पैट्रियट पाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिचर बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, मतलब जो पूरा नॉर्थ इंडिया होता है, राइट, तो मतलब वहां पर बैटल वगैरह स्टार्ट हो गई थी। 8 years ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, तो कोई होता है यहाँ पे, एक लीडर होते हैं जिनका नाम है कुंवर सिंह, जो बिहार के होते हैं। ही रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उनको मतलब अपने हाथ में एक क्या कहते हैं बुलेट लग जाती है, बंदूक की गोली लग जाती है। एंड ही सेज मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मतलब ये मेरी लास्ट एक है आपके पास, मैं आपसे ऑफर कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे बस ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर।